पासिंग एरे एलिमेंट टू ए फंक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। हमारे पास एक फंक्शन तो है, साथ ही साथ हम एरे की वैल्यू को उस फंक्शन में पास कराना चाहते हैं। और हम लोग वैल्यू को कितने तरीके से पास करा सकते हैं? पहला तो हम लोग वैल्यू को पास करा सकते हैं उसकी वैल्यू को कॉपी करके, मतलब कॉल बाय वैल्यू की तरीके से। और दूसरी तरीके से हम पास करा सकते हैं एड्रेस को भेज के, कॉल बाय रेफरेंस जो हम लोग जानते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसको हम लोग एक ही प्रोग्राम में दोनों तरीके समझ लेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जिसमें हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो भाई हेडर फाइल का इस्तेमाल तो होता है। तो हमारी सबसे पहले हेडर फाइल क्या होती है? हैश टैग इंक्लूड stdio, ये हमारी हेडर फाइल होती है। उसके बाद हम दोनों तरीके से फंक्शन में वैल्यू पास कराने वाले हैं, मतलब कि वैल्यू पास करा सकते हैं हम लोग आज वैल्यू से भी और रेफरेंस से भी। तो हम लोग को दोनों तरह के फंक्शन चाहिए होंगे। तो जो हमारा पहला फंक्शन है वो है void, val नाम दे देते हैं, मतलब इसमें जो वैल्यू है वो कॉपी होके पास होगी। तो अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो हमने इंटीजर मान लिया और ये कॉल बाय वैल्यू का हमारा है। और अगला जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग मान लेते हैं void ref। इसमें हम लोग को पॉइंटर देना पड़ेगा क्योंकि एड्रेस पास हो रहा है और एड्रेस पास कराने के लिए हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, ये आप जानते हैं। अब हमारा क्या होगा? मेन प्रोग्राम शुरू होगा। आप चिंता मत करिए, इसके अंदर की वर्किंग भी मैं ही समझाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। देखिए, अब हमारा जो है वो मेन ब्लॉक शुरू होगा। इस मेन ब्लॉक के अंदर क्या होगा? हमारा एक एरे होगा। उस एरे, मान लीजिए हमारा एरे जो है वो नम नाम का है, उसके अंदर हमने तीन वैल्यू को स्टोर कर रखा है, एक 4 को, एक 9 को और एक 29 को। इन तीन वैल्यू को हमने स्टोर कर रखा है। अब इनको ही हम फंक्शन के थ्रू पास कराना चाहते हैं। और हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हैं? वैल्यू और रेफ, एक में कॉल बाय वैल्यू, एक में कॉल बाय रेफरेंस। ये हमारा एरे है तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा? एक एक्स तो इंटीजर मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग लूप भैया किससे चलाएंगे, उसके लिए इनिशियलाइजेशन तो कराना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 कर देंगे, जिससे हमारा लूप जो है वो तीन बार चले, क्योंकि वैल्यू भी तो तीन ही पास करानी है, 0, 1, 2, चौथी कंडीशन में फॉल्स। तो अब क्या होगा? इंक्रीमेंट लग जाएगा एक्स प्लस प्लस। यहाँ तक आपको बहुत आराम समझ में आया होगा। तो पहली बार में हम लोग किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं? वैल्यू वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और जो वैल्यू है हमारी नम की वो पास करा देंगे। नम की वैल्यू में हम लोग आखिरकार पास कराएंगे तो कराएंगे क्या? अपने एक्स को पास कराएंगे, मतलब यहाँ पे वैल्यू वाला जो है वो पास हो रहा है। इसको मैं और अच्छे समझाऊंगा जब मैं इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाऊंगा। दूसरे में हम लोग फिर फॉर लूप चलाएंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक्स प्लस प्लस हो जाएगा। और अब की बार हम लोग रेफ वाले फंक्शन को पास कराएंगे और रेफ वाले फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? एंड मार्क्स लेंगे, सॉरी एंड नम लेंगे। एंड नम इसलिए लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंटर, मतलब एक तरीके से एड्रेस को पास करा रहे हैं, इसलिए हम लोग एंड नम लेंगे। और उसमें हम लोग किसका एड्रेस पास कराएंगे? एक्स का एड्रेस पास कराएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है वो फंक्शन चलेगा। देखिए, जो हमने ऊपर यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया था, ये कहीं ना कहीं तो अब यहाँ पे ऐसे बन चुका होगा नम नाम का। अब नम नाम का अगर ये बना होगा तो इसके अंदर तीन वैल्यू को स्टोर करने की क्षमता भी होगी, 1, 2, 3। और जो हमने वो तीन वैल्यू स्टोर कराई हैं वो क्या हैं? पहले कॉलम में 4, दूसरे कॉलम में 9, तीसरे कॉलम में 29। मतलब अगर ऐसा हुआ है तो इनको नंबर भी मिला होगा, पहला नंबर 0, दूसरा 1 और इसमें 2। इनका एक एड्रेस भी होगा तो हम लोग एड्रेस जो है वो मान लेते हैं इसका 30024, इंटीजर है तो 2 के अंतर में बनेगा, इसका क्या हो जाएगा? 30026, इसका क्या हो जाएगा? 30028 एड्रेस। अब क्या है, इनको हम फंक्शन के थ्रू पास करा रहे हैं। फंक्शन जो है वो हमारे डिक्लेयर है लेकिन डिफाइन तो अभी किया ही नहीं है, तो फंक्शन डिफाइन करते हैं। पहला हमारा फंक्शन जो है वो है void value। तो void value फंक्शन जो है उसके अंदर एक इंटीजर आ रहा है जो हम a मान लेते हैं। इस इंटीजर a जो हमारे अंदर आ रहा है, इसमें हम लोग तुरंत printf करा देंगे % d a को, बिना देर करते हुए हम लोग जो है इसको प्रिंट करा देंगे।
और जो हमारा अगला है वो है void ref, इसमें हमारा क्या आ रहा है address आ रहा है, तो इसमें integer b ले लेते हैं asterisk, क्योंकि भाई जी ये तो pointer है, इसमें हम लोग क्या करा देंगे printf % d और asterisk b। अब ये किस तरीके से काम करेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारा void value void reference बन चुका है, हमारा void num जो एक बना था एरे वो यहाँ पे दिख रहा है, उसके अंदर वैल्यू दिख रही है, उसके एड्रेस दिख रहे हैं, उसके नंबर्स दिख रहे हैं। जैसे ही हमारा लूप चलेगा पहला वाला, तो हमारा फॉर लूप जब चलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो, कंडीशन चेक होगी क्या जीरो छोटा और बराबर है दो के, हाँ है, उसके बाद तुरंत वैल्यू वाला जो फंक्शन है वो कॉल किया जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे नम क्या होगा जीरो होगा, नम जीरो होगा तो वैल्यू में यहाँ पे क्या आ जाएगा नम जीरो में फोर वैल्यू, यहाँ पे ये मान लेगा कि मेरे पास फोर वैल्यू है और फोर वैल्यू को यहाँ से वो पास करेगा इसमें, तो वो फोर वैल्यू जैसे ही ए में आएगी वो कॉपी हो जाएगी और प्रिंटर के थ्रू जो ए है वो इसको प्रिंट करा देगा और हमें आंसर मिल जाएगा ए। अगर आपको ये और अच्छे से क्लियर करना है तो देखिए एक्स हमारा चला तो जीरो था, कंडीशन चेक हुई क्या जीरो छोटा और बराबर है टू के, हाँ है, उसके बाद वैल्यू के अंदर जो है वो नम के अंदर एक्स भरना था तो जीरो हो जाएगा, तो नम जीरो क्या है नम जीरो जो है वो फोर स्टोर है, तो वैल की क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो जब फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू के थ्री क्या वैल्यू जाएगी फोर जाएगी, और ये फोर वैल्यू जाके इस इंटीजर में कॉपी होगी और ये यहाँ पे उसी वैल्यू को प्रिंट करा देगा फोर। फिर अगली बार में इंक्रीमेंट लगेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो मतलब वन हो जाएगी, अब वन जो है वो छोटा बराबर होगा दो के, और वैल्यू जो है वो हमारी नम की यहाँ पे वन हो जाएगी, और नम पे वन वैल्यू पे क्या फीड है हमारी नाइन फीड है, तो वैल्यू क्या पास होगी हमारी नाइन पास होगी, तो जब यहाँ से नाइन वैल्यू पास होगी तो वो इस वैल वाले में होगी और नाइन यहाँ से प्रिंट करा देगा, ए जो है वो नाइन प्रिंट करा देगा। इस तरीके से अगली बार एक्स जो है वो टू हो जाएगा, टू की कंडीशन फिर ट्रू होगी, वैल जो है अब की बार वो नम की वैल्यू जो है वो टू पास करेगा, और टू पास वैल्यू में क्या होगी हमारी नम की वैल्यू 29 होगी, क्योंकि 2 पे 29 है, तो यहाँ पे फिर ए क्या प्रिंट होगा 29 होगा। ये वैल्यू जो हमारी कॉपी हुई है उसका पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे पॉज करके 1 2 3। अब हम लोग बताने जा रहे हैं एड्रेस के थ्रू कैसे पास होगी, तो वैल्यू जो है वो वैल्यू के थ्रू पास हो गई, अब एड्रेस के थ्रू कैसे पास होगी। हमारा एक्स जो है वो जीरो रहेगा, कंडीशन हमारी चेक होगी जीरो छोटा और बराबर टू के, कंडीशन ट्रू, उसके बाद रेफरेंस के अंदर एंड नम एक्स है, मतलब एंड नम एक्स का आप मतलब समझिए कि एंड नम एक्स, एंड मतलब इसका जो एड्रेस है वो, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा नम के अंदर जो वैल्यू पास होगी वो होगी 30024 एड्रेस पास कर देगा, और जो वो जो एड्रेस है वो आके स्टोर होगा इस एस्ट्रिक बी में, और इस एस्ट्रिक बी को जब वो रीड करेगा तो वो वैल्यू को नहीं ले रहा है वो एड्रेस को ले रहा है, और एड्रेस को रीड करेगा तो वो जान जाएगा एड्रेस के अंदर फोर है, और वो क्या प्रिंट करा देगा फोर को प्रिंट करा देगा, जो हमारा बी है वो फोर को, और अगर यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करा रहे होते तो वो 30024 को प्रिंट कर देता। इसी तरीके से दूसरे फेज में जब एक्स वन होगा और वन = 0 होगा तो नम में जो है वो वन वाले का एड्रेस पास होगा वो क्या होगा 30026, और ये एड्रेस जब पास होगा तो हमारी बी की वैल्यू 9 हो जाएगी और बी का एड्रेस जो है वो 30024। इसी तरीके से जब एक्स टू होगा तो जो हमारी 2 की वैल्यू कंडीशन होगी तो जो नंबर होगा वो इस 2 वाले का पास करेगा वो क्या है 30028, और हमारी जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बी की वो हो जाएगी 29 और जो एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा 30028। इस तरीके से हमारा ये जो एरे है वो रेफरेंस के थ्रू पास हुआ। तो वैल्यू के थ्रू एरे कैसे पास हुआ और रेफरेंस के थ्रू कैसे पास हुआ है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT360, और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।